शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पता है सुने ना, जब भी तुम हमारे साथ होती हो, हमारी सारे दर्द सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तुम हमारा जीवन हो सुने ना, मैं जीना चाहती हूँ अपने अतिराज के लिए, अपने प्रेम के लिए। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। हे अम्बे माँ, मैं अपने अतिराज से दूर नहीं जाना चाहती। मेरा ख्याल रखना, नानी से मिलना, मेरी माँ की तस्वीर को यहाँ लेकर आना, मुझे उस जादूगर से बचाना। क्यों? हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम पत्नी हो हमारी। प्रयास करो, क्योंकि प्रयास ही तुम्हें साइता से बचाएगा। तुम और अधिराज एक दूसरे के आत्मा से जुड़े हुए हो, अपने मन की आंखों से देखो। प्रेम में बहुत शक्ति होती है और मेरी शक्ति मेरा प्रेम है, मेरे अधिराज है। मैं अपने अधिराज को छोड़कर नहीं जा सकती कहीं। इस विपत्ति से लड़कर जीतूंगी मैं और मैं अपने अधिराज के लिए जीवित रहूंगी। सुनैना, तुम सुन रही हो ना? सुनैना, देखा तुमने, इसकी आंखें घूम रही हैं। इसका मतलब सुनैना संघर्ष कर रही है, ये उस सर्पिका की माया शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। वास्तविक या कोई भ्रम? मुझे वो सांप का स्वप्न भी सच लग रहा था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई अचानक एक क्षण भर में महल से इस चट्टान पर कैसे पहुंच सकता है। इसका अर्थ है वो सांप के स्वप्न की तरह ये भी एक स्वप्न है। मुझे मेरी अम्बे माँ पर पूरा विश्वास है और मेरा विश्वास कह रहा है कि ये वास्तविक नहीं है। ये स्वप्न है मेरा, स्वप्न है मेरा, स्वप्न है मेरा, डरो मत सुनैना, ये छल है, भ्रम है, स्वप्न है तुम्हारा। अम्बे माँ का नाम लो और कूद जाओ यहाँ से। जय माँ अम्बे। पता नहीं वो क्या था, ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऊंची चट्टान पर हूँ। इस भय में ही हूँ, बड़ा अजीब स्वप्न था। और
वो सांप कहाँ गया? मुझे तेराज को सब कुछ सच बताना होगा। अच्छा हुआ जो सही समय पर सुनैना के आने का आभास हो गया मुझे, नहीं तो इसका संदेह यकीन में बदल जाता। लेकिन ये मेरे बिछाई हुई माया जाल से निकली कैसे? इतनी खतरनाक माया जाल से निकलना उनके लिए संभव है जिनके पास विशेष शक्ति हो, तो सुनैना, सुनैना कैसे निकल गई? पता है अतिराज, आज मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा, पता नहीं उस स्वप्न था या कुछ और। क्या देखा हमें बताओ। मैंने देखा मैं किसी ऊंची चट्टान पर हूँ, पर मैं यही थी महल में। बहुत गलत हो रहा है कुछ अतिराज, पता नहीं काली शक्ति या कुछ और, पर मुझे बहुत भय हो रहा है अधिराज। सुनैना परेशान मत हो, और वैसे भी स्वप्न से भय कैसा, और वो सब अर्थात वो काली शक्ति का विनाश हो चुका है, इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्वास करिए अधिराज, वो सांप मुझे फिर से दिखाई दिया। वो तुम्हारा स्वप्न होगा सुनैना, शांत हो जाओ। ये सुनैना इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, इसके लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा। इसकी रहती अधिराज मेरा कभी नहीं हो पाएगा। मुझे क्यों लग रहा है वो स्वप्न नहीं था? मैं अधिराज को भरोसा कैसे दिलाऊं? अगर सुनैना को कुछ हो जाता तो अधिराज तो तुम्हें नहीं ही मिलता, लेकिन तुम्हारा ये खेल जरूर बिगाड़ देता। वो क्या हो गया है सर्पिका तुम्हें? क्यों भूल जाती हो कि तुम्हें उस खंडर का द्वार खोलना है, वहां से चंद्रमणि को प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य के पूरे होने तक तुम अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रख सकती क्या? नहीं रख सकती नियंत्रण। अधिराज सिर्फ मेरा है और उसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए मुझे सुनैना को मारना ही होगा। और रही बात आपकी चंद्रमणि की, तो उसे भी मैं प्राप्त करके रहूं। लेकिन कब? समय बीतता जा रहा है सर्पिका, और तुम अपने लक्ष्य से भटकती जा रही हो। समझने का प्रयास करो सर्पिका, हम दोनों को मिलकर योजना बनानी होगी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पहले मुझे सुनैना को अपने रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद। अच्छा तो सुनो, सुनैना को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी अंबे माँ की भक्त है, और वैसे भी अभी नवरात्रि का समय है और सुनैना व्रत में है। इस समय उसकी भक्ति की शक्ति और भी अधिक होगी, इसलिए तुम उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती। तो उसका व्रत तो भंग कर सकती हूँ ना, उसकी पूजा असफल कर सकती हूँ, फिर तो हो जाएगी ना भक्ति की शक्ति समाप्त।